Hello everyone, in this video you will get to know how we can sort data in a data frame. हम data frame के अंदर data को कैसे sort कर सकते हैं, कैसे उसे ascending और descending order में arrange कर सकते हैं, right? Sorting refers to the arrangement of data elements in a specified order. तो sorting क्या होता है? Data elements को एक particular order में arrange करना, okay? Which can either be ascending or descending. और data किस form में आप arrange करोगे? या तो ascending में क्या है? Smaller to larger, या फिर descending में from larger to smaller. Fine. Pandas data frame provide two useful short functions. तो हमें pandas का data frame क्या provide करता है? दो functions provide करता है, जिसकी help से आप data frame के data को arrange कर सकते हैं. First आपका क्या है? Short values, short underscore values function, जिसकी help से आप क्या करते हो? Columns का data short करते हो. And second one is short underscore index function, जिसकी help से आप क्या करते हो? Index के according values को और data को arrange करते हो, right? Now we will do these two functions practically. Okay, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों function को practically implement करेंगे. तो यहाँ पे मैंने heading ली है short the pandas data frame on the basis of a single column, okay, in ascending ascending order. ओके तो हम क्या कर रहे हैं? डेटा फ्रेम के कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, फिर उसकी वैल्यूज को अरेंज करना है. तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं. इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी को एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, उसका एलियास नेम दे दिया पीडी, राइट? Then import numpy as np, numpy library को भी आपने import कर लिया, right? यहाँ पे हम एक variable ले लेते हैं dic, okay? यहाँ पे हम कैसे create करेंगे data frame को? हम dictionary से create करेंगे. तो सबसे पहले हम dictionary बना लेते हैं. Dictionary में हमने key ले लिया है name, right? Okay? And values ले लेंगे list की form में. तो values हम ले लेंगे, यहाँ पर names ले लेते हैं, ओके. राइट, देन नेक्स्ट फाइव नेम्स हमने यहां पे ले लिए, ओके. तो ये हमारा फर्स्ट की वैल्यू पेयर हो गया है. ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एज. एज, राइट, इसकी वैल्यूज ले लेंगे. ओके, नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं स्कोर, राइट? इसमें हम ले लेते हैं, ये स्कोर किसी का भी हो सकता है, कोई टेस्ट है, ओके. तो हमने स्कोर ले लिया है N89. फाइन, सो वी हैव क्रिएटेड आवर डिक्शनरी हियर, ओके. इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. अब हमें क्या करना है? डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है. तो हमने यहाँ पे df वेरिएबल ले लिया है और पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे. फाइन, pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें अपनी डिक्शनरी को हम पास कर देंगे, सिंपल, राइट? ओके, अब हम क्या प्रिंट कर देते हैं? हम प्रिंट कर देते हैं अपनी डिक्शनरी को. उससे पहले हेडिंग दे देते हैं डेटा फ्रेम कंटेंट विदाउट शॉर्टिंग, राइट? हमने बिना शॉर्टिंग के पहले शो कर देना है जो भी हमारा डेटा आएगा. तो उसके बाद आप कर दोगे प्रिंट डीएफ, ये आपका डेटा फ्रेम आ जाएगा. फाइन,
अब हमें क्या करना है, ये हमने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, अब हम शॉर्टिंग की बात कैसे आएगा हमारा, तो हम करेंगे फिर से df ले लेंगे वेरिएबल, ओके df डॉट शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, राइट, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और उसमें आपको क्या बताना है, बाय पैरामीटर को पास करके आपको कॉलम का नेम बताना है जिसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, राइट. तो हमने यहाँ पे दे दिया कॉलम नेम स्कोर, फाइन. तो इसके कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ. ओके, यहाँ पे सिंटेक्स देखो, डेटा फ्रेम डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, राइट. बाय में आप क्या दोगे, आप बाय की वैल्यू दोगे, जो भी कॉलम आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, राइट. अगर सिंगल करना है तो सिंगल दे दोगे, अगर आपको मल्टीपल देने हैं तो आप एज अ लिस्ट पास कर दोगे वाई की वैल्यू, राइट. एक्सिस इक्वल्स टू जीरो, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, एक्सिस. ओके, पासिंग आर्ग्यूमेंट एज जीरो मीन शॉर्टिंग विल बी डन रो वाइज. ओके, अगर आप एक्सिस जीरो पास करते हो तो शॉर्टिंग कैसी होगी, रो वाइज होगी. अगर आप वन पास करते हो तो शॉर्टिंग क्या होगी, कॉलम वाइज होगी, अगर आपने एक्सिस को डिफाइन किया, फाइन. नेक्स्ट है आपका असेंडिंग पैरामीटर, राइट. द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग, यहाँ पे असेंडिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट टू है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो क्या करेगा, अरेंज करेगा फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, राइट. ओके, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. The order of shorting ascending equals to false or true are passed as arguments. By default, ascending is true. Fine. Now next है in place equal to false. Right? Default is false. If you don't wish to create a new data frame, then set it as true. अगर आपका in place true है, तो क्या होगा? जो आपका original data frame है, उसमें changes हो जाएंगे. Right? और अगर आप इसको false रखोगे, तो क्या होगा? Result में ही change होंगे. Right? ओके, तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. बाय में आप कॉलम की वैल्यू दोगे, एक्सिस से आप डिफाइन करोगे कि कौन सा, मतलब कैसे आपको शॉर्टिंग चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए. असेंडिंग से आप बताओगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. इन प्लेस से आप डिफाइन करोगे कि आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं या सिर्फ क्या करना है, आपको रिजल्ट में चेंजेस चाहिए. ओके, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, ओनली रिजल्टिंग जो डेटा फ्रेम आएगा उसके अंदर चेंज होगा, राइट. ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कोर में स्कोर कॉलम दे दिया है, फाइन, राइट. असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, राइट. ओके, हमने शॉर्टिंग कर दिया. अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट, राइट. और हम दे देते हैं यहाँ पे डेटा फ्रेम कंटेंट आफ्टर शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के बाद आपका डेटा फ्रेम का कंटेंट, राइट. और आपने कर दिया प्रिंट डीएफ, फाइन. आप अब इसको एग्जीक्यूट करोगे. अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया. देखो पहले स्कोर में क्या था, 85, 78, 55, 77, 89, ओके. फिर आपने क्या किया, स्कोर कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, राइट. तो यहाँ पे देखो 55 पहले आया है, देन 77, 78, 85, 89, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है. आपकी थर्ड, देन फर्स्ट, देन आप वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो मैंने क्या किया है, इसको कॉपी कर दिया. ओके, हमने कॉपी कर लिया है, ओके, ऊपर वाले प्रोग्राम को. अब हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने कॉलम को अरेंज करेंगे, राइट. तो आपका ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी एज इट इज हमने कॉपी किया हुआ है. डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया, राइट, यहाँ पर. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज, बाय में आपने स्कोर कॉलम लिया है, ओके. और नेक्स्ट जो आप सेकेंड पैरामीटर पास करोगे, वो आप पास करोगे असेंडिंग, ए एस सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग, राइट. और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू. ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की वैल्यू अरेंज होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे फॉल्स, राइट. और यहाँ पे इसको असेंडिंग की जगह हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. अपने कमेंट को हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइन.
सिंपल एज इट इज पूरा प्रोग्राम है, फाइन। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे हमने शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया असेंडिंग और उसकी वैल्यू दे दी है फॉल्स, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। नाउ लुक एट द रिजल्ट, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आपका स्कोर कॉलम है, ओके। और इसकी वैल्यू किस फॉर्म में अरेंज हुई है, डिसेंडिंग में, राइट। सबसे पहले आपका 89 आया है, 85 आया है, देन 78, 77 एंड 55, ओके। एंड इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा डेटा फ्रेम के दूसरे कॉलम्स भी अरेंज हो गए, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो हम एज इट इज पहले अपने ऊपर वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। एज इट इज हमने अपना प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स के को अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम अपनी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, राइट, ओके। नाउ आपका हम क्या है, प्रोग्राम एज इट इज हमने कॉपी किया है, ओके। यहाँ पे हमने डिक्शनरी से अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, फाइन, ओके। एंड डेटा फ्रेम का क्या है, विदाउट शॉर्टिंग आपने यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट df विदाउट शॉर्टिंग आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं, शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एज कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। स्कोर को हम दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम एज कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड स्कोर कॉलम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओके। तो df आपने एक लिया वेरिएबल, राइट, df इक्वल्स टू df डॉट, ओके, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आपका किसका फंक्शन है, डेटा फ्रेम का फंक्शन है, पांडास डेटा फ्रेम का फंक्शन है। और यहाँ पे बाय के अंदर आप क्या कर दोगे, एज अ लिस्ट कॉलम्स को दोगे, आपको एज अ लिस्ट कॉलम्स को देना है। कौन कौन सा कॉलम आपको अरेंज करना है, एज एंड आपको करना है स्कोर, राइट, एज एंड स्कोर कॉलम को आपको अरेंज करना है, फाइन। एंड असेंडिंग पैरामीटर है, राइट, उसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, एज के लिए आप वैल्यू पास करेंगे ट्रू, राइट, ट्रू मींस असेंडिंग ऑर्डर में एज अरेंज हो जाए, एंड स्कोर के लिए आप वैल्यू पास करेंगे फॉल्स, राइट। यहाँ पे देखो ये कोट्स नहीं लगाने, मैंने ये बाय मिस्टेक कोट्स लगा दिए, कोट्स नहीं लगाने, फाइन, ओके, राइट। अब देखो बाय में आपने कॉलम्स एज अ लिस्ट दे दिया, एज एंड स्कोर, एंड असेंडिंग पैरामीटर के अंदर आपने एज अ लिस्ट दे दिया ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो आपका जो एज कॉलम है उसके लिए आपने दिया है ट्रू, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, छोटे से बड़ा। एंड यहाँ पे स्कोर कॉलम के लिए आपने दिया है डिसेंडिंग, ओके, फॉल्स मीन्स डिसेंडिंग, मीन्स योर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, ओके। अब जो ये वाला डेटा फ्रेम है वो आपका बिफोर अरेंज, बिफोर शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे देखो आपका जो आफ्टर शॉर्टिंग डेटा फ्रेम आया है उसके अंदर एज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी है 24, 24, 25, 26, 27, राइट। एंड आपका जो इसके अकॉर्डिंगली ही आपका क्या अरेंज हुआ है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम हुआ है। ये मल्टीपल कॉलम्स होता तो है, बट क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग ही रेस्ट ऑफ द डेटा चेंज होगा। अगर आपका एज चेंज होता है एंड स्कोर भी चेंज होता है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन की एज 24 है, उसका स्कोर क्या है, 85 है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर 89 आ जाएगा हम रॉन्ग, यहाँ पे स्कोर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने अर्जुन का स्कोर क्या लिया है, 85 ही लिया है। तो बेसिकली एक कॉलम, जो एक सिंगल कॉलम होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा डेटा फ्रेम चेंज होता है, फाइन।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन. ओके, उसमें क्या होता है, इंडेक्स की अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है. तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है. कंट्रोल सी राइट, उसको हम कॉपी करके उसमें चेंजेस कर लेंगे. फाइन, इसको हमने कर लिया कंट्रोल वी. ओके राइट, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं इसको. फाइन, हेडिंग हम दे देते हैं शॉर्ट द पांडास डेटा फ्रेम बाय इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर. राइट, तो हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम के डेटा को अरेंज कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में. राइट, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है. ओके, हमने डिक्शनरी से इसको क्रिएट किया है, दैट आई हैव टोल्ड यू. ओके, नाउ इस हेडिंग को हम हटा देंगे. ओके, अब यहाँ पे हम किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हम शॉर्ट फंक्शन का, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जो किसका फंक्शन है, डेटा फ्रेम का फंक्शन है. तो df डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट, इंडेक्स फंक्शन हमने दे दिया है. तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फंक्शन किस इंडेक्स की अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, राइट, इंडेक्स की अकॉर्डिंग वैल्यूज अरेंज होंगी, राइट, लेकिन किस फॉर्म में अरेंज होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन तो दे दिया, राइट, लेकिन यहाँ पे जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर मुझे क्या करना है, इंडेक्स भी तो देना होगा. इंडेक्स पैरामीटर देके मैं क्या करूंगी, ऐसा इंडेक्स दूंगी जिसको अरेंज करने की जरूरत पड़े, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो वो क्या होगा, एक अरेंज फॉर्म में आएगा, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, राइट. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स पैरामीटर पास किया और मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स दे देती हूँ जो अरेंज नहीं है. 1 दे दिया, 4 दे दिया मैंने यहाँ पे, 3 फाइन, और 2 दे दिया, ओके, एंड 0 दे दिया, फाइन, ओके. और ये मेरा इंडेक्स वैल्यूज आ गई हैं जो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन किए हैं. अब ये इंडेक्स को ये शॉर्ट कर देगा किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में. फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर. सी, आपका जो प्रीवियस इंडेक्स था वो क्या था, 1 4 3 2 0, राइट, और आपने जब इसकी शॉर्टिंग की तो आफ्टर शॉर्टिंग आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा डेटा फ्रेम का क्या हुआ, डेटा चेंज हो गया है. फाइन, तो शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया, इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम को शॉर्ट किया है, राइट. ओके, अब अगर आपको क्या करना है, डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कम्प्लीटली. हियर वी आर गोइंग टू कॉपी दिस, राइट, ओके, एंड देन पेस्ट इट. राइट, नाउ यहाँ पे हम इसकी क्या करते हैं, असेंडिंग की जगह कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. फाइन, एज इट इज आपका पूरा प्रोग्राम है. देखो डेटा फ्रेम में आपने इंडेक्स डिफाइन किया हुआ है 1 4 3 2 0, राइट, ओके, एंड देन अब देखो शॉर्ट इंडेक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या था, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता था, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए. तो आपको कौन सा पैरामीटर यहाँ पास करना होगा, असेंडिंग पैरामीटर, ASCENDING, असेंडिंग पैरामीटर आपको पास करना है और इसकी वैल्यू आपको कर देनी है फॉल्स. राइट, असेंडिंग पैरामीटर पास करके आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स. तो फॉल्स मींस डिसेंडिंग ऑर्डर. फाइन, नाउ एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द रिजल्ट. सी, ओके, ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है 1 4 3 2 0, राइट, ओके. अब यहाँ पे आपने डिसेंडिंग में इसको अरेंज किया है, तो डिसेंडिंग में देखो 4 3 2 1 0, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो फंक्शंस का यूज किया है, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन एंड शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन टू अरेंज द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम, राइट. ओके एवरीवन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल.